Okay, dear students, good morning and welcome back to our class. Let's continue the chapter. Let's continue the topic. हम कर रहे थे question number 24 का chapter number आपका 5 है, continuity and differentiability वाला जो chapter आपका, उसमें हम question number कौन सा कर रहे हैं 24. अब question number 24 जो है आपका, उस question number 24 में कह रहा है determine if f is defined by fx is equal to x square sine 1 upon x if x is equal to f does not equal to 0 और यहाँ पे x क्या है 0 है If x is equal to 0, तो यह हमें चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी को, ये कंटिन्यूस है नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, द फंक्शन जो हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं, द फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन ऑल पॉइंट ऑन रियल लाइन. ठीक है बच्चों, इतना बात सिंपल है. तो फंक्शन f जो डिफाइन हुआ हमारे हर पॉइंट पे रियल लाइन पे, हमने क्या बोला, लेट C be the point on C be the point या C be a number, C be a real number. C be को हम क्या मान लें यहाँ पे, real number मान लें. क्या मान लें आपको यहाँ पे, एक real number. So real number का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम देखें इसमें केस वन, तो केस वन में क्या हो जाएगा, अगर आपका क्या है कि C की वैल्यू क्या है, C does not equal to 0 क्योंकि x बराबर c है. तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अगर हम देखें f x को देखें तो fx क्या है, fc के बराबर है, fc और उसके बराबर क्या है आपकी x square sin 1 upon x, यानी कितना आ जाएगा आपको c square sin 1 upon c. ये तो आ गया आपका फंक्शन fx या fc आ गया. अब हम निकालते हैं इसके लिमिट. अब लिमिट देखें तो x की वैल्यू क्या है, वो c के बराबर है, तो कितना जाएगा आपका एफ एक्स, यानी कितना जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू c, तो कितना जाएगा x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, यानी कितना आएगा c स्क्वायर. अगर मैं इसको वैसे लिखूं तो मैं अलग करके लिख दूंगा यहाँ पे, तो वो बात वही रहेगी कि लिमिट लाएंगे x की वैल्यू c, तो x स्क्वायर आएगा तो साइन c स्क्वायर आएगा, तो ये साइन 1 अपॉन c आ गया. यानी कि ये पहले पॉइंट पे तो आपका कंटिन्यूस है, पहले पॉइंट पे आपका कंटिन्यूस है. अब हम करते हैं यहाँ दूसरा वाला पॉइंट, क्या करते हैं यहाँ पे केस नंबर टू. अगर x इक्वल टू c है बराबर जीरो है, अगर x इक्वल टू c बराबर जीरो है यहाँ पे, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या आ जाएगा आपका, एफ एक्स इतना आएगा आपका जीरो आ जाएगा. ठीक है, अब हम इसके एल एच एल आर एच एल चेक करते हैं. ठीक है, अगर हम इसमें लिखे लिमिट लिखते हैं इसकी x इज इक्वल टू जीरो नेगेटिव के लिए, नेगेटिव का मतलब क्या क्या हो जाएगा आपका, कि आपका एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स. ठीक है बच्चों, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, इस पॉइंट को हम यहीं पे लिख के छोड़ दें अभी, एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स. अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अगर हम देखें तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे जीरो है और x की वैल्यू जीरो नहीं है, यानी कि अगर हम देखें तो x की वैल्यू जो है आपकी जीरो यानी कि माइनस का वन और प्लस के वन के बीच में कहीं लाई करेगी, कहाँ पे लाई करेगी आपकी, सो माइनस का वन बड़ा है बराबर है साइन स्क्वायर क्या आपका, ये वन अपॉन एक्स क्या आएगा, साइन वन अपॉन एक्स ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये बड़ा बराबर हो जाएगा किसके, वन के, जहां पे x की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं है. ठीक है बच्चों, तो ये आ गया क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, एल एच एल निकाल रहे हैं. ये कंडीशन किसके लिए आपकी, एल एच एल के लिए, क्योंकि एक्स के लिए जीरो नहीं है, तो एक्स के लिए जीरो नहीं, इसका मतलब क्या, वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव की आपकी कैसे जाएगी, वो बीच में हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे लिख दें माइनस का वन, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर बड़ा है बराबर है आपका क्या, क्या साइन वन अपॉन एक्स बड़ा है बराबर है क्या आपका एक्स स्क्वायर. ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख सकते हैं हम यहाँ पे. तो अब यहाँ पे लिमिट लगा दें, लिमिट एक्स टेंस टू कितना है आपका, जीरो लगा दो. ठीक है, तो कितना जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और बड़ा है बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन एक्स और बड़ा बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर. ध्यान से देखो, तो ये दोनों पार्ट जीरो बन जाएंगे आपका, तो क्या रहेगा, जीरो बड़ा है बराबर है कितना आपका, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या आपका साइन वन अपॉन एक्स, क्या आ जाएगा आपका
साइन 1/x। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका ये एक्स स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा इसी तरीके से, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी लिमिट, अगर हम यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कर दें तो कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर और साइन 1/x कितना आ जाएगा आपका जीरो। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई यहाँ पे कैसे किया हमने इसको, सिर्फ हमने क्या बोला कि एक्स के लिए जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है माइनस वन और प्लस वन के बीच में लाई कर रही होगी, तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर की मल्टीपल एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर साइन 1/x आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे लिमिट लगाई तो जीरो आ गई, यहाँ पे लिमिट लगाई तो जीरो आ गई, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अगर एक्स स्क्वायर हो साइन स्क्वायर एक्स वाई होगा तो यहाँ पे लिमिट एक्स स्क्वायर आ जाएगी आपकी वो जीरो आ जाएगी साइन 1/x, तो उसकी वैल्यू कितनी जाएगी आपकी जीरो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से हम क्या चेक करते हैं यहाँ पे आर एच एल, क्या चेक करते हैं, ये तो हमारे एल एच एल के आगे जीरो आ गई, फंक्शन में हमारा जीरो आ रहा है, और हम चेक करते हैं यहाँ पे आर एच एल। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे आर एच एल को चेक करें तो वो आपकी कितनी हो जाएगी, ठीक है बच्चों, अगर इसी तरीके हम यहाँ पे लिखे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है पॉजिटिव, है ना, यानी कि हम आर एच एल निकाल रहे हैं, तो आर एच एल के लिए हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर साइन 1/x, यानी कितना आ जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 1/x, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा ये आपका जीरो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये आपका जीरो आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये आपका जीरो आ गया, एक मिनट, अगर आप इसकी आर एच एल लिखने की कोशिश करो, आर एच एल क्या है आपकी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, और वो क्या आपका एफ एक्स है, और एफ एक्स कितना वहाँ पे जीरो, तो कितना आ जाएगा आपका जीरो आ जाएगा इस तरीके से। बच्चों बस मैं आ गई यहाँ पे, तो इस तरीके से हम देखें तो एल एच एल इजिकल टू आर एच एल इजिकल टू क्या आपका एफ एक्स, यानी तीनों पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या है एक्स इजिकल टू जीरो पे ये आपका कंटिन्यूस होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा लग रहा होगा अजीब सा, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको दो केस लेने हैं, क्या लेने हैं आपको दो केस लेने हैं, एक केस क्या आपका एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है और एक आपकी एफ की वैल्यू जीरो है, जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो अगर इसके लिए हमारे पास में कंडीशन क्या आ जाएगी माइनस वन बड़ा है एक्स, एक्स का मतलब क्या है आपका साइन स्क्वायर साइन 1/x हो जाएगा और बड़ा है बराबर है वन, इसके बीच में लाई करेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिमिट निकाल देंगे इस वाले पॉइंट की, जो कि आपकी जीरो ही आ जाएगी और आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय योर डे, बाय बाय फॉर नाउ, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।